नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बंगाल विभाजन के कारण और परिणाम के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बंगाल विभाजन के कारण और परिणाम के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बंगाल विभाजन को समझते हैं। तो लॉर्ड कर्जन ने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन को लागू कर दिया। 16 अक्टूबर के दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया। योजना के अनुसार बंगाल के दो भाग कर दिए गए। पहला था पूर्वी बंगाल तथा असम नाम से नए प्रांत का निर्माण किया गया, जिसमें असम के अतिरिक्त पूर्वी बंगाल का बड़ा क्षेत्र चटगांव ढाका सम्मिलित था। इसकी राजधानी ढाका निश्चित की गई। दूसरा भाग था कि बंगाल प्रांत बना रहा और इसमें बिहार उड़ीसा सम्मिलित थी। इसकी राजधानी कलकत्ता रही। अब बंगाल विभाजन के कारण की बात करते हैं। तो बंगाल विभाजन के मुख्यतः तीन कारण माने जाते हैं। सबसे पहला कारण था प्रशासनिक कारण। इसके बाद दूसरा कारण माना जाता है राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई एकता पर प्रहार, और तीसरा कारण माना जाता है हिंदू तथा मुसलमानों में फूट डालना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं प्रशासनिक कारण की। तो प्रशासनिक कारण में देखते हैं कि सरकारी घोषणा के अनुसार बंगाल विभाजन के मूल में प्रशासनिक सुविधा का विचार ही सर्वोपरि था। सरकार का तर्क था कि बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा है, उसमें पूरा बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, बिहार तथा उड़ीसा सम्मिलित था। इतने बड़े प्रांत के शासन में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। बात करेंगे दूसरे कारण की, जो था राष्ट्रवादियों की बढ़ती हुई एकता पर प्रहार। तो बंगाल के कुछ बुद्धिजीवियों का मत था कि बंगाल में राष्ट्रवादियों में एकता बढ़ रही थी, परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र आंदोलन खड़ा हो रहा था। इस आंदोलन को कुचलने तथा एकता को तोड़ने के लिए बंगाल विभाजन किया गया। तीसरा कारण था हिंदू तथा मुसलमानों में फूट डालना। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य हिंदू तथा मुसलमानों के बीच फूट डालना था, और यही जो तर्क है वह सर्वमान्य है। अब बात करते हैं बंगाल विभाजन के परिणाम की। तो दिसंबर 1903 से 1905 तक विभाजन योजना का विरोध मितवादी यानी कि नरम दली तरीके से किया गया। प्रेस में अभियान चलाए गए, सभाएं हुई, प्रार्थना पत्र सरकार को भेजे गए। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में एक विशाल सभा हुई, जिसमें बहिष्कार की योजना स्वीकार कर ली गई और आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया गया। विभाजन के दिन यानी कि 16 अक्टूबर 1905 को लोगों ने पारस्परिक भाईचारे की भावना को दृढ़ करने के लिए एक दूसरे को राखी बांधी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और स्वदेशी को अपनाया गया। अंततः सरकारी दमनकारी नीति के बावजूद भी आंदोलन सफल रहा। सन 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। तो दोस्तों, यह जो वीडियो था बंगाल विभाजन के कारण और परिणाम पर आधारित था। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्ते।